उत्तर प्रदेश की जानी मानी लोकप्रिय डांसर सपना चौधरी को भारतीय जनता पार्टी द्वारा ठेंगा क्यों दिखा दिया गया, यह सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट देने का वादा किया और उसके बाद भाजपा ने उन्हें टिकट क्यों नहीं दिया। पिछली बार लोकसभा चुनाव में भी सपना चौधरी को कांग्रेस की ओर से टिकट मिलने वाला था, लेकिन वहाँ से भी उनकी दाल नहीं गली और अब विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने उनका नाम सामने आने के बावजूद उन्हें ठेंगा दिखा दिया। सपना चौधरी की बजाय वहाँ पर टिकट दिया पार्टी ने टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट को, जो आदमपुर हलके से कांग्रेस के दिग्गज नेता कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। सपना के बजाय पार्टी ने 3 खिलाड़ियों को भी विधानसभा चुनाव में उतारा और अब यह माना जा रहा है कि हरियाणा चुनाव के बाद दिल्ली के किसी क्षेत्र से भाजपा सपना चौधरी को चुनाव लड़ा सकती है, लेकिन फिलहाल तो सपना चौधरी का चुनाव लड़ने का सपना टूट गया है और अब वह यह सोच रही है कि उसे राजनीति में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्योंकि डांस में नंबर 1 हरियाणा की मशहूर कलाकार सपना चौधरी इन दिनों राजनीति में अपना दाव आजमाने निकली तो थी, लेकिन उनके हाथों निराशा ही आई है। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.